नमस्कार। लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर विश्व में सबसे सामान्य रूप का कैंसर है। आज इसी गंभीर विषय पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ पैम हेल्थ पर मौजूद हैं डॉक्टर उल्हास बत्रा, जो सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं राजीव गांधी कैंसर कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। वेलकम टू द शो डॉक्टर बत्रा। हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? वेरी वेल डॉक्टर बत्रा, ये पोल्यूशन वाले टाइम पे नॉर्थ इंडिया में आई थिंक हमने सबसे पर्टिनेंट टॉपिक चूज किया है लंग कैंसर का। इट ऑल्सो हैपन्स टू बी लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ। जस्ट बिफोर वी बिगिन, आई नो हम काफी सारे शोज कर चुके हैं इसके बारे में, बट एक बारी हमारे व्यूअर्स के लिए ये रिएटरेट कर दीजिए कि लंग कैंसर किस किस वजह से होता है। वॉट आर द टिपिकल थिंग्स दैट लीड टू लंग कैंसर कॉमनली? सो आई थिंक अगर हमें बोलना है कि लंग कैंसर किन किन वजहों से होता है, एंड इफ आई हैव टू काउंट 1 to 10, प्रोबेबली आई विल पुट स्मोकिंग 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 एज नंबर 8, 1 to 8 on 10. सो स्मोकिंग और इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज ओरल टोबैको और इफ इट इज यू नो अ सिगार और इफ इट इज अ गुटका और इफ इट इज अ सिगरेट और इफ इट इज वट एवर हुक्का और समथिंग, दिस इज डेंजरस एंड दे आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ लंग कैंसर. नाउ इस वक्त हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये एक रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर का. ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो स्मोक करता है उसको हो जाएगा और जो बंदा स्मोक नहीं करता है उसको नहीं होगा. लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके चांसेस जो है वो 30% तक बढ़ सकते हैं एज कंपेयर टू अ नॉन स्मोकर हु डजंट स्मोक. जो लेट्स आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल एंड बीटिंग दिस डाउन फर्दर, बिकॉज द आइडिया इज कि अगर शो के थ्रू हम दो लोगों की लाइफ चेंज कर पाए तो दैट वुड बी गुड, राइट? I think even if it is जो one. वन एब्सोल्युटली जो बंदा अगर यंग एज में लेट्स अज्यूम कि 20s में शुरू करते हैं स्मोकिंग करना, बाय द टाइम देयर इन देयर 40s, वन इज कि उनके ऑब्वियसली हार्ट पे भी असर पड़ता है, जैसे हम जानते हैं स्मोकिंग की वजह से डायबिटीज का एक कारण बोला गया है कि स्मोकिंग कुड ऑल्सो बी प्रेसिपिटेटिंग दैट। एंड इफ यू कम टू कैंसर अगेन, टू द लंग कैंसर पार्ट ऑफ इट, हाउ बैड वुड अ लंग्स ऑफ अ 40-year-old बी इफ दे हैव बीन स्मोकिंग कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 20 odd years? So the lungs would be in a horrible condition. So this is the question which, you know, I mean, a lot of time people ask us. 40, 45 years की age में आते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो हमने 15-20 साल तक कर लिया है, अब हमें क्या फर्क पड़ेगा, आप स्मोकिंग करने दीजिए. I mean, that's a very pertinent question that you have asked. The issue is that if you stop even today, every 10 years, there will be a 10 to 15% reduction in your chances of smoking. So it is never too late to stop smoking. So, आपने जैसा बोला कि जो अगर कोई 20 साल से स्मोकिंग कर रहा है उसके लंग्स डेफिनेटली बुरे होंगे, लेकिन अगर आप आज स्टॉप कर देते हो तो आपके चांसेस एवरी 5 years में 3 to 5% इम्प्रूव हो जाते हैं स्मोकिंग, मतलब आपके यू यू वॉक टुवर्ड्स बीइंग अ नॉन स्मोकर एक्चुअली. सो देन बेसिकली वी आर सेइंग कि एक रिवर्सल टाइप का प्रोसेस शुरू हो जाता डेफिनेटली यस. एंड लेट्स फॉरगेट अबाउट एंड लेट्स नॉट ओनली टॉक अबाउट लंग कैंसर. Smoking causes 8 different types of cancers. You start from your oral cavity cancer, you start from your oropharynx cancer, you start from your voice box cancer, lung cancer, esophagus cancer, stomach cancer, pancreas cancer, bladder cancer. There are 8 common cancers which basically is directly related to tobacco. And the best part is that you have, you know, we pay for it. You actually buy your own death. That is what I usually tell my parents, patients. हाँ, तो आप पैसे भी दे रहे हैं और ऐसी चीज डाल रहे हैं, डायरेक्टली पॉइजन इंजेस्ट कर रहे हैं अपने बॉडी में ऑफ सॉर्ट्स। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट ओनली फॉर यू, अगर आप अगर मान लीजिए आप या मैं में से कोई भी स्मोक करता है तो सिर्फ हमारे ही चांसेस नहीं बढ़ते हैं, आपके बच्चों के, आपकी वाइफ के, आपके पेरेंट्स के जो आपके साथ में रहते हैं, उनके चांसेस भी 20% तक इंक्रीज हो जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज पैसिव स्मोकिंग. So not only you are wasting your money, you are putting yourself at risk, you're actually putting your family at risk, which is very, very, very sinful, I must say. So before we move into more detailed conversation about lung cancer, उसके कैसे symptoms, treatment वगैरह उसमें जाएं, उससे पहले ये थोड़ा सा बताइए कि अगर है family smoker की सिमिलर टू की पोल्यूशन है बाहर, अब उसको कैसे हम बियॉन्ड जस्ट द मास्क, व्हाट एल्स कैन यू डू, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स मे बी लाइक होम रेमेडीज थोड़े से, कि आप अपने आप को जितना प्रोटेक्ट कर पाए, सेव कर पाए,
you can do at home, at least some basic. So I think the bottom line is nobody smokes at home. I mean, even if you want to smoke, bhaiya tum bahar jaake karo, but that is also not enough because that person also is somebody's son, somebody's husband, and somebody's brother. So bottom line is you don't smoke, but you definitely don't smoke at home. You definitely don't smoke in a very close environment. Home remedies, you can do yoga and you can do naturopathy and all, but then this is not a substitute. This can be done in addition, but this is not a substitute. You need to stop smoking. Nobody smokes at home. That's the bottom line. Okay, one relevant question that's come from the community is ki agar main smoker hoon, clearly main chhodna nahi chahta hoon, that's probably why he's been asking this question, to mujhe kya symptoms look out karne chahiye, because what should be the need to go and get a test done in the first place? What are the symptoms to look out for? Anybody who has a persistent cough for more than a month or 6 weeks, anybody who is losing weight, एनी ऑनसेट ऑफ कफ या कुछ ब्लड आ रहा है कफ में विच इज अ वार्निंग सिग्नल, या आपकी आवाज चेंज हो रही है, या मान लीजिए भूख लगनी कम हो गई है, वजन कम हो गया है, दीज आपका जो कफ का कैरेक्टर जो है वो चेंज हो गया है. तो नॉर्मली स्मोकर्स विल हैव अ कफ, यू नो आई मीन मान लीजिए वो कफ जो आपको पहले दिन में सिर्फ एक बार आया करती थी, अब दिन में 4-5 बार आ रही है, ब्लड आ रहा है, कफ बहुत परसिस्टेंट हो रही है, आपकी वॉइस चेंज हो रही है, सांस फूलनी ज्यादा हो रही है, these are some of the warning signals of lung cancer. But trust me, by the time you develop these symptoms, it might just be a bit too late. So the bottom line is, don't wear it on your sleeve, ki ji, I can't stop smoking and all, nothing. You need to stop smoking right now. Because honestly, if you come to a cancer center and see patients' condition who have gotten cancer because of smoking, किसी किसी का आप voice box remove करा देते हो, किसी किसी के lungs की surgery हो जाती है, you are not even able to walk after you get cancer. It's a bad life that they live after they get cancer. It's not really worth spending that life. So please, if you have started, stop it. If you have not started, don't take it up. I'm just going to ask you one more question pertinent to the symptoms. Humne discuss kiya ki coughing hoti hai, change in the cough, blood could be there in the cough. So ye sare symptoms सिर्फ इंडिविजुअल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, और इज इट यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स? इंडिविजुअल सिम्टम्स हो सकते हैं, एनी वन सिम्टम इज डेंजरस. इट्स नॉट ऑल ऑफ देम, इट्स आइदर ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, प्लीज कंसल्ट डॉक्टर. सो नॉट ओनली सी आई मीन अगेन वी स्पोक अबाउट स्मोकिंग जो है वो 8 तरह के कैंसर कर सकता है. इट कैन कॉज अदर डिजीजेस, लाइक आपने मुझे बताया हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कैटराक्ट हो सकता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो सकती है, आपकी टांग काटनी पड़ सकती है, इम्पोटेंसी हो सकती है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच कैन बी द हेयर्स कैन बिकम बैड, द टीथ कैन बिकम बैड, देयर आर हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एवरी पॉसिबल ऑर्गन स्मोकिंग इन इफेक्ट. ओके, आई थिंक अब इतना सब बोल के हमने काफी अपने दर्शकों को होपफुली वार्निंग एंड घबराहट दे दी होगी अगेंस्ट स्मोकिंग. आई विल मेक इट वर्स एट द एंड ऑफ एज द प्रोग्राम गोस. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्केरी एंड वर्स टोटली. और हम जैसे बार बार बोलते रहते हैं बीच बीच में शो के, कि अगर कोई और दर्शक हमारे हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज आके हमारे फेसबुक पेज पे, माय फैम हेल्थ पे, या हमारे वेबसाइट familyhealth.in/community पे अपना सवाल छोड़िए. हम डॉक्टर उल्लास से आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करवाएंगे, या अगर उनसे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी हम लोग फैसिलिटेट करवा देंगे. सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस इन द सेम वे. डॉक्टर बत्रा विल कीप टॉकिंग अबाउट हाउ बैड स्मोकिंग इज थ्रू द होल शो. डॉक्टर बत्रा, नाउ कमिंग टू द कैंसर पार्ट ऑफ इट, व्हाट इज द टिपिकल स्क्रीनिंग दैट इज डन फॉर लंग कैंसर टू डिटेक्ट? Okay, so I mean, there are two words in this, which is very important. One is what is screening and what is typically a screening. So typically, is vagat tak India mein lung cancer mein koi screening nahi hoti hai. So which is very, very bad actually. Because lung cancer ko agar hum stage 1 mein detect kar lein ya stage 2 mein detect kar lein, to hum 70% logon ko survive karwa sakte hain. But typically, kyunki India mein problem ye hai ki there is so much of pollution and there is so much of tuberculosis. To agar hum screening karte bhi hain, तो उसमें कुछ नॉड्यूल्स निकल जाते हैं, फिर उनकी बायोप्सी होती है. तो टिपिकली स्क्रीनिंग इज नॉट रियली डन इन लंग कैंसर इन इंडिया. वी एट राजीव गांधी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोग्राम फॉर लंग कैंसर स्क्रीनिंग. सो बेसिकली अगर आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री 20 पैक ईयर्स की स्मोकिंग की हिस्ट्री है,
तो हम उस वक्त पे आपका हम स्क्रीनिंग करते हैं जो कि एक लो डोज सीटी स्कैन होता है। उस लो डोज सीटी स्कैन को हम लोग जो है वो एक लंग रैट्स करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो बताता है कि वो 1, 2, 3, 4 या 5 पे होता है। अगर वो सस्पिशियस होगा तो हम उसकी बायोप्सी करेंगे, अगर वो सस्पिशियस नहीं होगा तो विल जस्ट लीव इट लाइक दैट। सो लंग कैंसर स्क्रीनिंग इन शॉर्ट इज ओनली फॉर पेशेंट्स हु आर स्मोकर्स, हु हैव अ 20 पैक ईयर्स हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड बिटवीन 35 to 55 ईयर्स ऑफ एज, एंड देन वी डू अ लो डोज सीटी स्कैन। यू डोंट डू अ हाई डोज सीटी स्कैन, यू डू अ लो डोज सीटी स्कैन। और बड़े बड़े ट्रायल्स ने ये दिखाया है कि अगर हम स्क्रीनिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली मोर्टालिटी, जिसको हम बोलते हैं डेथ रेट, वो 20% तक कम हो सकता है। सो जो हम अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, जहाँ पे नॉर्वे की बात करें, कहीं की बात करें, अगर आप या स्वीडिश ट्रायल जो हुए थे वहां पे जिन लोगों ने लंग कैंसर स्क्रीनिंग किया तो मोर्टालिटी फ्रॉम लंग कैंसर कैन रिड्यूस बाय 20%। डॉक्टर बत्रा, फॉर स्पेशली लाइक वी आर सेइंग एंड स्मोकिंग इज सच अ बिग थिंग इन आवर कंट्री, और फिर ये पैसिव स्मोकिंग थ्रू पोल्यूशन, पैसिव थ्रू स्मोकिंग थ्रू अ रिलेटिव जो भी आपके घर में स्मोक कर रहा है साथ में, शुड स्क्रीनिंग एज अ पार्ट ऑफ योर हेल्थ चेकअप नॉट बी अ मैंडेटरी थिंग फॉर समबडी नो, हुज द प्रॉब्लम हियर इज दैट स्क्रीनिंग, सी द प्रॉब्लम इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। लेट अस से आई वुड से 40% ऑफ पीपल विल हैव सम काइंड ऑफ नोड्यूल्स इन देयर लंग्स। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सबकी स्क्रीनिंग करवा देते हैं तो आपके आप यू हैव अ रिस्क ऑफ ओवर ट्रीटमेंट, ओवर बायोप्सिंग पीपल। सो स्मो सो स्क्रीनिंग इज नेवर एवर डन फॉर अ जनरल एसिम्टोमेटिक पर्सन, ओके ओनली पीपल हु आर एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग लंग कैंसर, दैट इज स्मोकर्स। सो इफ यू आर अ स्मोकर, यू हैव अ मोर देन 20 पैक ईयर्स हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, इफ यू आर इन द एज ग्रुप above 40 years of age, low dose CT scan once in 2 years. That's the screening protocol which we want to follow. ओके आप लंग कैंसर अगर डिटेक्ट जो भी है सिम्टम्स के थ्रू जो भी होता है तो उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? व्हाट आर द टेस्ट डन फॉर इट? So the diagnosis of lung cancer is typically done by a biopsy. हम लोग पेशेंट का जो है वो एक जो टिश्यू, जैसे हम एक ब्लड सैम्पलिंग करते हैं, तो डायग्नोसिस ऑफ अ लंग कैंसर इज टिपिकली डन बाय अ बायोप्सी। बायोप्सी कैन बी डन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, टिपिकली ऐसा नहीं है कि, तो हम एक पहले पेट स्कैन करते हैं। तो देखिए डायग्नोसिस के लिए हम दो चीजें बोलते हैं, एक हम बोलते हैं स्टेजिंग, मतलब बीमारी कहाँ कहाँ फैली हुई है, दूसरा हम कहते हैं बायोप्सी, मतलब बीमारी किस तरह की है। तो जस्ट बिकॉज यू हैव अ नोड्यूल इन द लंग डजंट मीन कि आपको जो है वो कैंसर ही है। इट कैन बी ट्यूबरकुलोसिस, इट कैन बी एनी सार्कोइडोसिस, इट कैन बी एनी इन्फेक्शन। सो बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी में हम लोग दो तरह से करते हैं, या तो सीटी स्कैन के द्वारा की जाती है या ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू की जाता है। तो ब्रोंकोस्कोपी में एक नाक से ट्यूब डाल देते हैं, वो ट्यूब डाल के एक टिश्यू ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेट स्कैन देन वी विल सी। मान लीजिए किसी को एक लंग में मास है और एक छोटा सुप्रा क्लाविकल लिम्फ नोड यहाँ पे है, तो जरूरी नहीं है कि आपके बायोप्सी की जाएगी, हम आपके लिम्फ नोड की भी वो बायोप्सी जो है वो करके आपका डायग्नोसिस करते हैं कि आपको कैंसर है तो कौन सी तरह का कैंसर है। तो ये कौन सी तरह का आपने बोला, जो क्या लंग कैंसर के अंदर भी अलग अलग किस्में होती हैं? डेफिनेटली लंग कैंसर के अंदर कम से कम 50 अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हम किसी को बोलते हैं कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सो द मोमेंट आई हियर अ टर्म कॉल्ड स्पोर्ट्स पर्सन, माई फर्स्ट थिंग गोज टू सचिन तेंदुलकर। बट अगर आप सचिन तेंदुलकर नॉट द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन, सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट खिला लीजिए वो बहुत अच्छा खेलेंगे, उनसे हॉकी खिला लीजिए वो बहुत होपफुली आई एम नॉट श्योर कितना अच्छा खेलेंगे, उतना अच्छा नहीं खेलेंगे। इसी तरह सचिन तेंदुलकर से कबड्डी खिलवा लीजिए वो बुरा खेलेंगे। सो फॉर मी अ स्पोर्ट्स पर्सन इज वन डिसीज, इज वन पर्सन, बट सिमिलरली फॉर यू लंग कैंसर इज वन डिसीज। जबकि हमारे लिए फॉर अ पर्सन लाइक अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, लंग कैंसर आर डेफिनेटली 50 अदर काइंड ऑफ डिसीजेस। कई के लंग कैंसर होते हैं जिसमें हम लोग ओरल दवाइयां दे सकते हैं, कई के लंग कैंसर होते हैं जिसमें सिर्फ कीमोथेरेपी होती है, कई के लंग कैंसर होते हैं जिसमें हम लोग इम्यूनोथेरेपी जो है वो दे सकते हैं। सो लंग कैंसर डेफिनेटली इज नॉट अ डिसीज। ये 1990 में होता था कि हम एक एफएनएसी की जांच करते थे, मालूम चला कि कैंसर आया है एंड एवरीबडी यूज टू गेट कीमोथेरेपी, बट दैट ऑल हैज चेंज नाउ। एवरी लंग कैंसर इज नॉट वन डिसीज। इनफैक्ट अगर पिछले 10 सालों में किसी कैंसर में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है तो वो लंग कैंसर से हुई है में हुई है, और उसका इकलौता रीजन है कि हमने सब लंग कैंसर को जो है वो बायोप्सी किया। उन बायोप्सी के हिसाब से जैसे हम लोग आजकल पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बोलते हैं,
राइट ट्रीटमेंट फॉर द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम, उनका बायोप्सी हुआ, हमने ये जाना कि वो उनको कैंसर क्यों हुआ है एंड वी गेव देम द राइट ट्रीटमेंट. सो इट्स अगेन लाइक सेइंग आप सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स ने अगर उनको कबड्डी खिलाई होती बचपन में तो आज वो सचिन तेंदुलकर नहीं होते. सिमिलरली लियांडर पेस को क्रिकेट खिलाया होता वो उसमें भी नहीं होते. सो लाइक वी हैव डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन. विश्वनाथन आनंद इज अ बेस्ट गाय बट आस्क हिम टू प्ले क्रिकेट ही विल नॉट डू अ गुड जॉब ऑफ इट. सिमिलरली लंग कैंसर इज नॉट वन डिसीज. लंग कैंसर आर 15 डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस all of which we will determine only if we do a biopsy. So biopsy is the paramount importance key, thing. Key thing for it. And again, before you go to the next question, the moment I tell biopsy to a particular patient in the OPD, the patient looks at you like this and says the second question which comes is ki humne suna hai ki biopsy karne se cancer jo hai phail jayega. I mean, that's the second question which comes over there. Ki the moment you put a needle up me over here, the cancer will spread. So nothing can be further away from that truth. For the best diagnosis of lung cancer, for the right treatment of lung cancer, for giving you a chance to get an oral treatment. Imagine taking oral tablets for lung cancer. Biopsy is a must. Okay, coming to you mentioned a lot of things treatment के बारे में आपने काफी चीजें बोली कि कभी कीमोथेरेपी होती है और अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज यूज करते हैं. तो नॉर्मली क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वंस यू डू हैव अ बायोप्सी एंड देन दैट गोज इन टू अ पॉजिटिव. What is the typical treatment that is done? And इसमें भी stages होते हैं क्या cancer के? हम काफी सारी बारे में सुनते हैं कि stages, तो इसके stages के बारे में बताइए. हर cancer में stages होते हैं. So हर cancer, there is not even a single cancer which does not have a stage. So except for blood cancer probably. So first stage होती है अगर बीमारी जो है सिर्फ lung में रहती है. Second stage होती है अगर lung और कुछ lymph nodes होते हैं वहां पे होती है. Third stage होती है अगर lung और दूसरी साइड के lymph nodes से पहुंच जाए. फोर्थ स्टेज होती है अगर आप जो है वो बीमारी जो है वो लिवर में या फिर बोन में या ब्रेन में अगर पहुंच जाती है. सो लंग कैंसर की चार स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज को हम लोग सर्जरी या रेडियोथेरेपी के द्वारा ट्रीट करते हैं. थर्ड स्टेज को हम लोग कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के द्वारा ट्रीट करते हैं. फोर्थ स्टेज में अनफॉर्चुनेटली हम लोग बीमारी को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं. बट तो इसमें हम लोग फिर हमारे पास तीन ऑप्शंस होती हैं कि या तो हम कीमोथेरेपी देंगे या हम कुछ टारगेटेड थेरेपीज होती हैं वो देते हैं या हम इम्यूनोथेरेपी होती हैं वो देते हैं. सो अगेन फोर स्टेजेस, स्टेज वन स्टेज टू इधर सर्जरी और रेडियोथेरेपी, स्टेज थ्री कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, स्टेज फोर ओनली कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी. सो अगेन द आइडिया इज कि हाँ हम लोग हमारे फैमिली के थ्रू पेशेंट्स को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं बार बार. जब वो आए तो they should be empowered with knowledge enough to know ki unke sath kya hone wala hai aage. To again anxiety unki ease up karne ke liye agar aap hamare viewers ko ye bata dein ki jab koi aata hai what are the right questions that they need to ask the doctor, how do they know they are going undergoing the right kind of a treatment, and what should the family or the caregivers typically be looking out for. So I mean first thing is you should definitely know what is the stage of the disease. Second thing, in fact, the first thing which is always important is don't be in a hurry to start treatment. I always say cancer mein ilaaj karna zaruri nahi hota hai. Cancer mein sahi ilaaj karna jo hai wo zaruri hota hai. Please, you know, I mean, everybody who comes like I just saw a patient at 6 o'clock and he said, mujhe aaj chemo laga do ya mujhe aaj surgery kar do. Please don't do that. First of all, if you don't know your enemy, if you know your enemy, then only you will be able to treat them better. Again, I always tell, you know, I am going on a holiday. Tomorrow I say I'm going on a holiday. What kind of clothes do I prepare? Do I take up? Some my wife needs to ask me, you know, bhaiya tum sardi wali jagah ja rahe ho, garmi wali jagah ja rahe ho, beach pe ja rahe ho, mountains pe ja rahe ho. If I'm going to go to a beach and I take all my woolens and all everything over there, and even if they're the best woolens in the town, it's not really going to make a difference. So similarly, cancer is your enemy. Find out exactly what stage you are. So, आपने PET scan कराया कि नहीं कराया, MRI कराया कि नहीं कराया, उससे मालूम चलेगा stage of the disease क्या है. अगर stage of the disease आपकी 1, 2, 3 है, तो जैसे मैंने बोला, आप एक surgical oncology opinion लीजिए, क्या हम इसको निकाल सकते हैं. Radiation oncology opinion लीजिए कि क्या हम यहाँ पे radiation दे सकते हैं. अगर वो कहते हैं, देखिए lung cancer में problem ये होता है कि 85% of the diseases they are diagnosed in the advanced stage. तब तक बीमारी already फैल चुकी होती है.
तो अगर आप स्टेज चार में आए हैं तो प्लीज आस्क योर डॉक्टर कि डॉक्टर कीमोथेरेपी इज देयर, बट यस, इज देयर एन ऑप्शन ऑफ इम्यूनोथेरेपी, इज देयर एन ऑप्शन ऑफ टारगेट थेरेपी विच कैन बी गिवन, बिकॉज इन लंग कैंसर, इन इफ यू लुक एट एडिनोकार्सिनोमा जो कि लंग कैंसर का टाइप होता है, 40% ऑफ पेशेंट्स कैन गेट ओरल टारगेटेड थेरेपीज, 25% ऑफ पेशेंट्स कैन treatment has changed in the lung cancer in the last probably 5 to 6 years. So definitely patient should insist or patient should ask about the stage of the disease. Patient should ask about whether what kind of lung cancer it is. Is there an oral tablet or a target therapy or immunotherapy option available in lung cancer? Dr. Batra, immunotherapy and targeted therapy, iske baare mein thoda detail aur bataiye please. Targeted therapy is if you have to, you know, so let, I always give this example, you know, I'm almost feeling like I'm sitting in the OPD and you're asking very right questions actually. So if you have to kill, let's say I am sitting in my room over here. If you have to kill me, you can drop a bomb. So chemotherapy is like a bomb. It will kill the good cells. It will kill the bad cells. So when the bad cells get killed, we are very happy. बट द गुड सेल्स गेट किल्ड, तो हमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हमें मुंह में छाले हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है. सो दैट्स वन वेरी क्रूड वे ऑफ यू नो ट्रीटिंग कैंसर. टारगेटेड थेरेपी इज इफ यू, इट्स लाइक अ मिसाइल, यू जस्ट हैव एन एरो एंड यू शूट द ओनली द बैड पर्सन एंड लीव असाइड द गुड पर्सन. सो इफ यू नो द टारगेट, सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग यू नो बायोप्सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू नो आपको लंग कैंसर क्यों हुआ और अगर आपके पास उसके अगेंस्ट की दवाई है, अगर आप वो टारगेट थेरेपी दे दीजिए तो पेशेंट के सिर्फ बुरे सेल मरते हैं और अच्छे सेल जो है वो नहीं मरते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज अ टारगेट थेरेपी. टारगेटेड थेरेपीज टिपिकली आर ओरल मेडिकेशन विच आर गिवन. दे डू नॉट हैव साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी. कोई बाल नहीं गिरते हैं, कोई निमोनिया नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. थोड़े से रैशेज होते हैं, डायरिया हो सकता है, बट इफ अ पेशेंट हु इज टेकिंग टारगेटेड थेरेपी is sitting in front of me and you, we will not be able to differentiate me, you and that person. So chemotherapy is like a bomb, targeted therapy is like a missile. You basically kill only the bad cells, you do not kill the good cells. Now immunotherapy is a concept which has come in the last 5 years. What has happened is, why doesn't our body recognize, so the body also has police, okay? So normally the police kills the bad cells. Now why doesn't our body basically recognize these bad cells? Because these bad cells are hidden somewhere in your body. Now what immunotherapy typically does is it takes off, you know, they are masquerading as good cells only. So hamari police ko pata hi nahi chalta hai ki bhaiya isme acche kaun hai, isme bure kaun hai. So immunotherapy kya karti hai ki wo un bure cells ko expose karti hai taki aapki body ki apni immunity jo hai wo un cells ko maar sake. That is called as the immunotherapy. So this is the scientific difference. Chemotherapy like a bomb kills the good cells and the bad cells. Target therapy is like a missile, kills only the bad cells, spare the good cells. Immunotherapy is basically like a police, you know, it's the body's police which unveils the bad cells so that your own local police can kill it. Benefit kya hota hai? Chemotherapy mein agar hum bole stage 4 ka lung cancer hai, to chemotherapy typically se patient used to survive only for a year, year and a half in a stage 4. With targeted therapies, people are now living, agar aapka EGFR mutation hoti hai, people can live for 3 to 4 years. Even in stage 4? Even in stage 4. Agar aapka ALK hai, aur aap dawaiyan ko chahiye, to 5 year survival of 63%. Imagine, 10 saal pehle, sirf 1 saal tak jeete the. Aaj oral goliyon ki wajah se, aap log 5 saal tak 65% people are alive. Wow. Immunotherapy se, 5 year survival of 30% is also a possibility now. That is why, and all this is possible only if you do a biopsy and you do molecular testing on them. So, ये जो therapies आपने बताई हैं, अलग-अलग treatment की जो modalities हैं, is this a choice of the patient or is it dependent entirely on the stage of the disease and how spread it is? It is dependent on the type of the tumor. It is also, it is basically, you know, again, as I said, there it's a sport, you know, you have a cricket, you have billiards, you have carom and all. So, hume ye dekhna hai ki aapka cancer hua kyun. So, hum jo hai wo biopsy karte hain. Us biopsy ke upar hum ek next generation sequencing test karte hain. Now, in India, we have found out that 40% of people have some candidates, the non-smoker hote hain.
एंड देयर इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स इज वेरी अपेरेंट. अगर आप एक नॉन स्मोकर हैं, आपको एडिनो कार्सिनोमा है, तो देयर इज अ 50% चांस कि आपको ओरल गोली मिल सकती है. पर अगर यही आप स्मोकर हैं और आपको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, तो देयर इज ओनली अ 5% चांस कि आपको ओरल गोली मिलेगी. सो अगेन यू नो द कैंसर विच हैपन्स इन स्मोकर्स एंड द कैंसर विच हैपन्स इन नॉन स्मोकर्स, देयर अगेन टोटली डिफरेंट. डिफरेंट, ओके. यस, एंड दैट विल डिटरमिन द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट. द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट व्हिच यू बेसिकली विल गेट. ओके. Dr. Batra, before we come back to more questions from me, there are some questions that have come on lung cancer on Facebook. Anubhuti Dhawan asks, can having asthma increase the chance of lung cancer? So having asthma, childhood asthma, does not increase your chances of getting lung cancer at all. Not at all. That's a separate, it's an allergic asthma which is there. It doesn't increase the chance of getting lung cancer. इसी से रिलेटेड एक पहले भी हमारे पास कम्युनिटी का क्वेश्चन आया था कि क्या लंग्स में फेफड़ों में पानी भरने से कैंसर की संभावना बढ़ जाती है. लंग्स में पानी भरना इज नॉट अ कॉज ऑफ कैंसर, इट इज अ सिम्पटम ऑफ कैंसर. अगर किसी को लंग्स में पानी भरा हुआ है तो ये बहुत लाइकली है कि उनको कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस जैसी कोई बीमारी हो सकती है. अगेन हाउ डू यू फाइंड आउट, यू टेक आउट द फ्लूइड, डू अ बायोप्सी, फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड ओवर. Okay. There's another question that's come from the community. It says, pollution ka impact lung cancer pe kya hota hai? Is it the same as smoking or are there differences in this? Yeah, why is Delhi called as the world's smoke chamber? So definitely, so pollution also has carcinogenic elements in it. Dekhiye, to do a randomized control study, ki ji, aap Delhi wale logon ko dekhiye aur wahan pe isko compare ki ji, aisi jagah pe jahan pollution nahi hai. A randomized control study will be very difficult, but it does not take a rocket science to find out that pollution has almost the same chemicals that was as what the smoking has. So yes, pollution does increase your chances of getting lung cancer. Pollution also increases chances of getting your lungs are anyway in a bad state. आपको और problem हो जाती है, तो आप जो chemotherapy होती है उसको झेल नहीं पाते हो. आपकी जैसे अभी हमने देखा pollution बढ़ रहा है तो COVID की severity भी बढ़ रही है. बिकॉज अगर PM 2.5 लेवल बनता है तो लोगों को वैसे भी प्रॉब्लम ज्यादा होती है. तो पॉल्यूशन कॉजेज लंग कैंसर, यस. पॉल्यूशन डिक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ पीपल टू टॉलरेट कीमोथेरेपी ऑल्सो, यस. सो अगेन पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट, स्मोकिंग, टोबैको, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम देम इफ यू आई मीन स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवम्बर, व्हाट आई कॉल एज नवम्बर लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ. ये बताइए डॉक्टर बत्रा, कि अगर ओवर द इयर्स यू हैव डेवलप्ड कार्डियो रिलेटेड इश्यूज, स्मोकर्स की अगर मैं टिपिकली बात करूं या डायबिटीज है किसी को, तो अगर उनको लंग कैंसर होता है तो उनके क्या ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं? डज इट रियली अफेक्ट? यस इट डज. सो सी अगेन द पॉइंट इज एज वी सेड कि अगर आपको कीमोथेरेपी देनी है, सो कीमोथेरेपी किल्स द गुड सेल्स, कीमोथेरेपी किल्स द बैड सेल्स. Again, I'll give you a very small example of when this COVID pandemic struck, there were people who were economically vulnerable and there were people who had good bank balances. Who is more likely to endure this? People who had had something over there. You know, we always saved something for the rainy days. So, jin logon ko diabetes hoti hai, jin logon ko blood pressure hota hai, heart ki problem hoti hai, unko already jo hai wo unke major organs affect ho rahe hain. और कीमोथेरेपी जब दी जाती है तो वो अच्छे सेल भी मारती है, वो बुरे सेल भी मारती है. द चांसेस ऑफ देयर गेटिंग टॉलरेटिंग कीमोथेरेपी, डेवलपिंग अ साइटी इन्फेक्शन इंक्रीजेस. बट एक्चुअली स्पीकिंग, अ लॉट ऑफ गुड सेफ ड्रग्स आर देयर. बट यस, इफ यू आस्क मी पॉइंट ब्लैंक, डेफिनेटली समबडी हु हैज अ हार्ट इशू और अ डायबिटिक इशू विल टॉलरेट कीमोथेरेपी स्लाइटली पुअरर देन योर नॉर्मल पर्सन. बट देन आई एम श्योर देयर ड्रग्स विच आर नॉन विच आर हार्ट सेफ, विच आर शुगर सेफ, which can be given to them. That is for your doctor to decide. Ek aur community ka question aaya hai, can lung cancer be fully treated? Yes, can you be cured of it? Yes, why not? So stage 1, if you do surgery, if you give chemotherapy, stage 2, if you do surgery, RT and chemotherapy, then 70% people in stage 1, 60% people in stage 2 can get cured. But the point is, come to us at that time. You can't expect, and even in stage 4, जैसे मैंने आपको बताया अभी कुछ इम्यूनोथेरेपीज आ गई हैं वहां पे, जिससे आपका स्टेज 4 में भी अगर आपको इम्यूनोथेरेपी दी जाए तो 20% to 30% ऑफ पीपल कैन सर्वाइव फॉर 5 इयर्स.
एंड नाउ वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ क्योरिंग लंग कैंसर इन स्टेज फोर ऑल्सो, बट दीज आर अर्ली प्रोग्रेसेस. इम्यूनोथेरेपी इज अ कॉस्टली मेडिसिन. थिंग्स आर बिगनिंग टू इम्प्रूव, बट अगेन द पॉइंट इज प्लीज अवॉइड, यू कैन अवॉइड ऑल दोज थिंग्स इफ यू डोंट स्मोक. Why do you want to go to one particular issue? I mean, if you don't smoke, there is a good amount of chance you won't have lung cancer. And all those who are smoking passively through pollution should go and live in a smoke-free environment if they can afford to. Not only pollution. I mean, you can't stop living in North India, let's say. But if you are somebody in your family is smoking, you can at least say no to them. And there is no, I mean, if your friends are smoking in a party, you should start smoking, telling them, because your children are seeing them. You know, I went for a health educational talk in a school, and I was amazed to see the number of questions which were asked regarding hookahs and which were asked about regarding the smoking and stuff like that. ये hookahs and shisha इन सब का भी same effect आता है? Because they do inhale the vapors over there, and it can cause lung cancer again. So we have a lot of hookah bars over there and shishas and all over there. Mm-hmm. Again, tobacco. See, again, you say if you, I think there was a news item 4 months back that non-filtered, the filters and the e-cigarettes were also banned. So tobacco in any form, whether it is passive, active, whether it is a BD or it is the best Cuban cigar, is going to damage your lungs. You have to avoid that. That's period. Nothing else. So there is a question which may not be pertinent to you, but still you might know a little bit about it. How to quit smoking? And इसी में मेरा एक सवाल ये है, ये जो निकोटीन पैचेस जो हम लगाते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में कुछ इंजेक्ट कर रहा है ना बॉडी में. So is that good really? So there are two points of this. Tobacco smoking has got two factors. One is the addictive component. What is the carcinogenic component? So nicotine is the addictive component. It is not that much a carcinogenic. So, अगर आप एडिक्शन को इम्प्रूव, तो आपको आपके वो 40 केमिकल में से आप सिर्फ एडिक्शन वाला केमिकल जो है वो दे रहे हैं, आप जो दूसरे केमिकल हैं जो कार्सिनोजेनिक है वो नहीं दे रहे हैं. तो निकोटीन पैचेस इन सेफ डोजेजेस एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर आर रीजनेबली सेफ. हाउ टू क्विट स्मोकिंग, देयर वाज अ स्टेटमेंट, आई डोंट रिमेंबर बाय होम, ही सेड यू नो स्मोकिंग, क्विटिंग स्मोकिंग इज द इजिएस्ट थिंग टू बी डन. आई माय सेल्फ हैव क्विट टोबैको 20 टाइम्स. So it is difficult. You need to have strong will, you need to have a lot of family support, you know, your family support, your friends support, your children support, your parents support, a lot of support is needed. But again, you look at the the amount of benefit it will do. And one of the worst part about smoking again is that you die young. So you know, your most productive years of life are probably between the ages of 35 and 55 or 60 at that time. Smokers cause early deaths. If you die at that time and your family, your children are not settled, your parents are still, they are at the place where they need you the most. And smokers are dying young deaths because of cancer, because of heart attacks, because of stroke, because of so many other things. Dr. Batra, aapke experience mein, aap kaafi sare patients ko dekhte rehte hain. Aapke isme typical myth kya hai logon ke mind mein jab aapke paas aate hain ilaaj karane ke liye? क्या preconceived उनके notions होते हैं which should be dispelled through FemHealth right now? So the first preconceived notion which is always there is मैं biopsy नहीं कराऊंगा, number one. I mean the first thing is कि the moment we do a biopsy cancer जो है फैल जाएगा. Second preconceived notion basically is it is a stage dependent. जिसकी stage 4 होती है वो surgery कराना चाहता है, जिसकी stage 1 होती है वो surgery नहीं कराना चाहता है. So you know it's almost like जिसको जो चाहिए वो आराम से मिलता नहीं. Third thing is chemotherapy is very painful. The point is chemotherapy, people say, you know, we will be giving you chemotherapy to you in ICU. And there was a patient who said, ki, Doctor sahab, inki chemotherapy ho gayi hai, to ki ambulance bula lo inko wapas jaane ke liye. And he actually said, ki apne pairon pe to chal ke jayenge nahi. So important thing again is that chemotherapy is not painful at all. In fact, aaj ka jo lung cancer ki chemotherapy hai, usse to baal baal bhi nahi karte hain. Only 5% of people can have some fever, vomiting, diarrhea, and improvement. See, again, I always say, improvement. If you don't take treatment, your life will be only this much. If you take it, will be this much, and with a good quality of life. So biopsy definitely is a must. Iske upar hum kuch molecular markers karate hain. In lung cancer, at least definitely we should do it, because if there are targeted therapies,
योर लाइफ कैन बिकम, यू कैन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. वी हैव गॉट पीपल आउट ऑफ वेंटिलेटर्स व्हेन वी हैव गिवन देम टारगेट थेरेपी. सो बायोप्सी एब्सोल्युटली इज अ मस्ट फॉर एनीवन, फॉर ऑल द मेडिको पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, फॉर ऑल द नॉन मेडिकल पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, प्लीज डोंट शाई अवे फ्रॉम बायोप्सी. एंड कीमोथेरेपी इज नॉट पेनफुल एट ऑल. Only some side effects are there, and that too happen only in 5% of people. You know, you have seen so many people, all the celebrities. Even you look at Manisha Koirala, or you look at so many people who have taken chemotherapy. They do lose hair, but then they come back strong. So it's a temporary loss of hair. Very temporary side effects. 4 months ke liye honge, 5 months ke liye honge, uske baad theek ho jayenge. But you have to fight it. That's the most important thing. And again, the family support and social support is very, very important. Okay, Dr. Batra, we have a lot of questions on the community. Some are not linked to lung cancer, and I just want to take a few of them back to back. Sure. Somebody is asking, ye thoda sa linked hai, targeted therapy and immunotherapy, does it work on stomach cancer? Okay, so immunotherapy works in stomach cancer. Targeted therapy also works in stomach cancer, but the targets are different. So it's almost like saying, you know, let's say you have an ABC target in lung cancer, you have a DEF target in stomach cancer. In lung cancer, target therapy works more because we have got latest drugs which are acting against them. Stomach cancer, it acts only for this much. In lung cancer, it acts for this much. But yes, target therapy and immunotherapy do work in stomach cancer, although the magnitude of its effect is slightly lesser as compared to lung cancer. Lung cancer. Okay. एक और सवाल है लंग कैंसर से जुड़ा हुआ. वो कह रहे हैं कि कौन सा मेडिसिन अच्छा है लंग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, एलेक्टिनिब और कैफ्ट्रियाक्सोन? क्रिज़ोटिनिब. सो ये जो आप दवाई की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है वो ये स्टेज 4 लंग कैंसर है, जिनको ALK रीअरेंज लंग कैंसर है. तो एक ट्रायल हुआ था जिसमें उन्होंने एलेक्टिनिब वर्सेस क्रिज़ोटिनिब दो दवाइयों को कंपेयर किया था. क्रिज़ोटिनिब की दवाई इसमें 34.8 महीने तक काम किया था. अगेन जस्ट रिमेंबर, जस्ट गो बैक टू व्हाट वी सेड इनिशियली, पीपल विद लंग कैंसर वर लिविंग ओनली फॉर अ ईयर, दैट्स इट. एंड नाउ यू हैव गॉट एन ओरल टैबलेट विद व्हिच पीपल कैन लिव आउट फॉर 34-35 मंथ्स ओनली ऑन वन टैबलेट. दिस इज द ट्रायल दैट आई वॉज रेफरिंग टू कि 5 ईयर तक उन्होंने लोगों को देखा, तो 63% लोगों ने 5 साल के बाद भी जिंदा थे. Excellent. So, hands down, electinib is better. There is no doubt about it. Again, a very important thing about lung cancer is lung cancer goes and spreads to the brain. पहले क्या होता था, there was something called the blood-brain barrier. तो हमारी कोई भी दवाई जो है वो ब्रेन को कॉज नहीं किया करती थी. Electinib and osimertinib नाम की दवाइयां हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाती हैं. So, to answer your specific question, electinib any day is much more better, but the medicine is costly. This is very costly medicine. Okay. There's another question that says, हमारे patient की lung cancer की radiation therapy 5 महीने से रुकी हुई है, क्या वो फिर से शुरू हो सकती है? Will it be as effective? So unfortunately, no. It won't be. See, there is always a time and course to be done for that. And again, I give a very stupid example. आपने फरवरी के महीने में एक बहुत ही अच्छा woolen अपने लिए कपड़ा सिलसिलाया लिया, जो जैकेट वैकेट लिया, ड्यू टू वट एवर रीजन कोविड लॉकडाउन हो गया, आप वो पहन नहीं पाए. तो अब जुलाई का महीना आ गया, आप दिल्ली में घूम रहे हैं. सो इवन इफ यू हैव द बेस्ट वुलन्स इन द टाउन, इन जुलाई इट वोंट बी यूजफुल. सो आई वुड सजेस्ट यू दैट व्हाट यू शुड डू इज यू शुड डू अ पेट सिटी स्कैन. देखिए कि बीमारी अभी कहाँ पे है, क्या इंटेंट ऑफ ट्रीटमेंट था आपका देने का, और उसके बाद से आपके लोकल ऑन्कोलॉजिस्ट को जाके दिखाइए, दे विल टेक केयर ऑफ. Okay, so ideally rukna hi nahi chahiye. That is the right way of doing a treatment for anything for that matter. I'll again give a very stupid example. You know, I mean, hum log jo hai wo khana jo khate hain wo roz din mein 3 baar khate hain, right? Aisa thoda ki Monday ko khana khate hain, phir 6 din nahi khate hain, phir agle Monday ko dobara kha lete hain. So the treatment has a particular protocol. You need to follow that protocol. Unfortunately, because of whatever reason, this won't work that well. In this case, okay, so there is another question that says that if CA-125 was higher, then is it confirmed cancer in the body? No, not at all. So CA-125 women mein cancer, jo ovarian cancer hota hai, uska ek marker hai. But ye marker bahut sari aur conditions mein badh sakta hai. Jaise kisi ko peritonitis ho gaya ho, koi bhi ovary cyst ho gaya ho, to badh sakta hai. Koi bhi ek value,
जो है वो कैंसर को नहीं दिखाती है। अगेन बायोप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज ओवेरियन कैंसर। सिर्फ दो या तीन कैंसर हैं जिनको हम ब्लड में मार्कर करा के जो है वो पकड़ सकते हैं। आई रिमेम्बर अभी क्या हो गया ना, आजकल जो हमारे लेबोरेटरीज हैं उन्होंने इतना अच्छा एक पैकेज बना दिया है कि वन स्टॉप शॉप करेंगे हम, आपका CA-125, CA-99, CA सब कर देंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब ये लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो फिर पेशेंट को जो एनजाइटी होती है और सब कुछ होता है, दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। सो प्लीज डू नॉट फॉल अंडर द ट्रैप ऑफ ऑल दीज टेस्ट। गो एंड टॉक टू योर ऑन्कोलॉजिस्ट और द हॉस्पिटल हु विल देन एडवाइस यू टेस्ट। अगर मैं स्क्रीनिंग की बात करूं तो इंडिया में इस वक्त सिर्फ वेमेन के लिए एक मैमोग्राफी, पैप स्मियर एंड दैट्स द ओनली टेस्ट विच इज रिकमेंडेड। मेन के लिए PSA वो भी प्लस माइनस है एंड अ कोलोनोस्कोपी। नो ब्लड टेस्ट इज रिकमेंडेड फॉर यू नो फॉर स्क्रीनिंग ऑफ एनी कैंसर्स। बट क्योंकि लैब में हो रहा है, लोगों को लगता है कि फ्री में हो रहा है, हमने 800 रुपए देने थे, 840 रुपए में कैंसर का मालूम चल जाएगा, हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, देन यू हैव दैट तलवार ऑन योर हेड ऑलवेज जो टंगी रहती है वहां पर। So you have to then basically go for the right kind of diagnosis for the right kind of cancer, and that's the only way you can prove that you have it. And meet the concerned specialist doctor. Don't ask for all these tests alone on your own. Okay, here's one complicated case. Somebody says, I'm suffering from breast cancer for 2 years. Okay. Now, 1 year ago, I got diagnosed with liver cancer. Okay. 1 month ago, cancer diagnosed in spinal cord T3 and T5. Why is this increasing despite following the whole treatment in the last 2 years? What should I do? It is not a alag alag cancer. It is your breast cancer only, which is traveling to the liver and which is now traveling to the spine. Very unfortunate, but dekhiye, a stage 4 cancer, see, I also told a stage 4 cancer, you can only control the disease, you cannot cure the disease. What happens is that after some times, the cancer cells become resistant to a treatment that we are giving. See, when we were kids, hamare parents jo hai, wo tala band karke chale jaya karte the. We usually used to find out a way to circumvent that, right? So cancer cells are smart. What they do is they find out ways to circumvent that. So I'm sure your oncologist will take care. They will see an ER, PR and HER2 new status. Depending on the ER, PR and HER2 new, they'll give you the next line of the treatment. Again, breast cancer is one cancer jo ki stage 4 mein bhi bahut kuch kar sakte hain. And people can go on and have a good quality and quantity of life after that. Okay. The next question is, somebody says, I am suffering from lower soft part sarcoma since Feb 19. Please give me a suggestion for a good treatment. So I'm sure jo aapne sarcoma, dekhiye sarcoma jo bimari hoti hai, that is a very that's not inherently chemo sensitive. उसमें सर्जरी करनी होती है। तो अगर आपने MRI कराया है और एक CT स्कैन कराया है और बीमारी इधर उधर नहीं फैली है, तो उस चीज को सर्जरी जो है वो करानी चाहिए, उसको निकालना चाहिए। और उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली द हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट कम्स, बीमारी इधर उधर फैली है कि नहीं फैली है, हमें आगे देखना चाहिए। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू टेल एवरीबडी अगेन हियर, अगर आप मेरे 5 क्वेश्चन जो पिछली बार लोगों ने कैंसर के बारे में बोले हैं, सी प्लीज रियलाइज cancer is not one disease. Again, as I said, you know, for some people, I mean, bachcha school mein pad raha hai. Ab wo school jo hai, ek sarkari bhi ho sakta hai, ek DPS bhi ho sakta hai, ek English school bhi ho sakta hai, Oxford bhi ho sakta hai. So it depends upon bachcha, aap MNC mein kaam kar rahe hain, aap MNC mein director bhi ho sakte hain, chaprasi bhi ho sakte hain. Similarly, all cancers are different. All cancers have to be treated differently, they have to be staged differently, they have to be managed differently. So, कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि आपने किसी को उसको बोला था वहां पे ना, उनको इतनी महंगी दवाई दी थी वो बिल्कुल ठीक हो गए, हमें वही दवाई दे दो। अरे भाई कैसे दे दूं, अगर आपके में वो टारगेट ही नहीं है, अगर आपकी वो बायोप्सी ही नहीं है तो कैसे दे दूं। तो हर बंदा जो है वो अलग है, हर बंदे का कैंसर जो है वो अलग है। आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने पर वही कपड़े मैं पहन के जाऊंगा तो मैं तो बहुत ही फनी लगूंगा, राइट? सिमिलरली एवरीबडीज कैंसर इज डिफरेंट, वी नीड टू ट्रीट एवरी पर्सन एज डिफरेंट। डॉक्टर बत्रा, आई लव द वे कि आप एनालॉजीज कैसे ड्रॉ करते हैं हर एक चीज के साथ। होपफुली लोगों को इतने आसानी से समझ आ जाएगा जो आप कहना चाह रहे हैं, विच इज बेसिकली दैट यू नो एवरीथिंग नीड्स टू बी डन इन अ प्रॉपर मैनर एंड डोंट एक्सपेक्ट वन आंसर एंड वन सोल्यूशन फॉर एवरीबडी।
यू आस्क अर्णब गोस्वामी, टू से क्वाइट, विल ही से क्वाइट? सो इट्स द सेम एनालॉजी दैट आई एम गिविंग यू. Okay, there's another question. Somebody says, my mother, 68 years, ovarian cancer, an operation was done on the 11th of August, 2014. Since then, she is undergoing chemotherapy. This is quite a long time back. Treatment. Now, there is reoccurrence of cancer. Again, undergoing chemotherapy treatment. She's a diabetic patient also. My question is, how to support her to reduce the blisters inside the mouth, cramps, pain in legs, and all the after effects of chemo? So again, as I said before, you know, chemotherapy will kill your good cells and your bad cells. So probably you should go and speak to your oncologist. Maybe there needs to be dose reduction. मान लीजिए देखो हर जैसे हम लोग आजकल किसी को भी gastritis होता है तो pantocid 40 mg दे देते हैं. But chemotherapy is never given like that. Chemotherapy में हर बंदे का height, weight, body surface area देख के ही जो है हम लोग उसे दवाई देते हैं. अगर आपकी मदर जो है इसको टॉलरेट नहीं कर पा रही है तो प्रोबेबली योर ऑन्कोलॉजिस्ट हैज टू, एंड इसके भी ग्रेड्स होते हैं. देखिए आप लोगों के लिए छाला एक छाला होता है, हम लोगों के लिए छाले के चार ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर. सो द ऑन्कोलॉजिस्ट ऑल्सो हैज टू सी कि आपकी कौन सा ग्रेड ऑफ अल्सर्स है, कौन सी ग्रेड है. अगर हमें लगता है कि ग्रेड वन ग्रेड टू है तो हम कुछ दवाइयाँ सजेस्ट कर देते हैं. अगर हमें लगता है ग्रेड थ्री है तो हम कीमो की डोज कम कर देते हैं. अगर हमें ग्रेड फोर लगती है तो हम दवाई चेंज करके देते हैं. So, you know, because देखिए, as an oncologist also, we are also stuck up between giving you the right dose of the drug, avoiding complications and having effect also. मान लीजिए हम आपको dose जो है वो आधी दे दें और आपकी बीमारी control ना हुई, फिर अगला question अगले farm health के program में ये आ जाएगा कि जी दवाई दी थी बीमारी बढ़ गई. So, you know, it's very difficult to say it on the without seeing a patient. Also, you know, people, आजकल कोविड का चक्कर भी है तो lot of telemedical consultations are there. But I honestly feel there is no substitute to seeing a patient alive in your front. You need to talk to your doctor, tell them. And I always say कि ये छोटी मोटी problem होती है, छोटी for the doctor and मोटी for the patient. Because मुझे अगर छाला होता है तो मैं तो कुछ खा भी नहीं पाता हूँ. But doctor के लिए ये problem बहुत ज्यादा नहीं है. Depending on your, it's always a, you know, risk benefit ratio. So your doctor oncologist will decide ki what is the risk of continuing chemotherapy, what's the benefit of giving treatment, and then they will go it forward from there. Ek sawal aur hai. My mother, again 68 years old, diabetic, went stenting in 2006, underwent surgery for breast cancer last year. No chemo but with radiation. Was suggested to take TAC Zoldria 4 mg injection every 6 months. We are not able to take that due to lockdown till date, and it has been a year. What should I do? If it can be skipped, and for how long? Also, does drinking milk cause a relapse of breast cancer? Okay. So, आपने इसमें sugar add नहीं किया. That sugar also is a big thing over there. So, देखिए कोई भी adjuvant chemotherapy जो है, that should be finished within 6 months of surgery. अगेन एज आई सेड, आपने जनवरी में वुलन कपड़े लिए और आप अगस्त में पहनेंगे तो यू विल लुक लाइक अ फूल. एनी ट्रीटमेंट विच हैज टू बी डन आफ्टर सर्जरी हैज टू बी डन ओवर देयर. इट्स अगेन, इफ आई 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 जस्ट गिव यू अनदर एग्जांपल विच सेज, आपके फरवरी में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम थे, आपने कहा जी मैं तब फरवरी में नहीं दूंगा, कैन आई गिव इट इन सेप्टेम्बर, तो सप्ती लगेगी ना आपकी. तो इस वक्त अगर आपको एक साल तक ट्रीटमेंट नहीं लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड को सिर्फ 8 महीने हुए हैं, तो मतलब पहले 4 महीने आपने कीमोथेरेपी नहीं कराई. डोंट ओनली ब्लेम द कोविड फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली एक साल के बाद एडजुवेंट कीमोथेरेपी का देना फायदा नहीं है. मेरा अपना सजेशन ये है, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे वहां जाके आप एक फिजिकल एग्जामिन कराइए, इमेजिंग कराएंगे, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करा के देखते हैं. इसके साथ में आपका कुछ ERPR हर्टोन्यू की जाँच हुई होगी. अगर वो ERPR पॉजिटिव है तो कुछ हार्मोन की दवाई है जो कि दी जा सकती है. अगर वो हार्मोन की दवाई आपका टेस्ट आपका पॉजिटिव है तो प्लीज वो वाला टेस्ट करा, वो दवाई लीजिए, एंड आई एम श्योर शी शुड बी ऑलराइट. एंड अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, यू नो, द लॉट ऑफ टाइम्स, यू नो, यू आस्क मी टू कन्वे अ मैसेज, पीपल डू कम एंड से कि अभी ना हमारी सर्जरी हुई है तो क्या हम 4-5 महीने के बाद आगे इलाज कर लें, अभी वो बहुत कमजोर है. अगेन माई एग्जाम्पल फॉर दैट इज नो, आई मीन द ट्रीटमेंट हैज टू गो ऑन एट अ पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज इफ यू लेट cancer inside your body for a long time, the cancer will definitely increase, multiply.
एंड इट इज फार मोर इजियर टू फाइट वन बैड पर्सन रादर देन आर्मी ऑफ बैड पर्सन, एंड कैंसर स्प्रेड्स रैपिडली. तो देर इज नो डाउट अबाउट इट दैट यू नीड टू टेक ट्रीटमेंट एज पर योर ऑन्कोलॉजिस्ट, योर सर्जन, योर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एडवाइस. डोंट डिले द ट्रीटमेंट. And like you said, the earlier you come, whether it is a smoker who's coming in for getting a test for lung cancer or anything, the better it is from treatment perspective. अब बस last दो सवाल मैं पूछने वाली हूँ. एक तो कि lung cancer की बात वापस करें, तो typically अगर वही है stage one या two पे treatment कितना time duration लगता है approximately? And उसमें I'll tell you. So, अगर देखिए हम सर्जरी की बात करें तो इनफैक्ट माई फर्स्ट गट फील व्हेन वी नेवर यूज टू डू दैट मच ऑफ सर्जरीज इनिशियली, तो हमारे जो सर्जन आए, यंग अग्रेसिव सर्जन वहां पे आए, तो वो लंग की सर्जरी कर देंगे. एंड आई सेड ही वाज 65 ईयर ओल्ड मेल. आई एंड ऑनेस्टली आई आस्क्ड हिम, बॉस देख लो 65 ईयर ओल्ड है, छोड़ देते हैं. ही एंड दैट गाय वॉक्ड आउट ऑफ द ओपी आउट ऑफ द आईपीडी इन 4 days टाइम. आजकल जो लंग की सर्जरीज भी हैं वो भी रोबोटिक सर्जरी हो जाती है. एंड यू लुक एट दोस पेशेंट्स, यू नो देर आर लॉट ऑफ मिथ्स ओवर देयर. हम लोग अपने मन में धारणा बना लेते हैं. एंड अगेन आई ऑलवेज, एंड हमारी राय जो है वो बहुत, हिंदुस्तान में राय जो है वो बहुत अच्छी है. बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, सब कुछ होते हैं जो राय देते रहते हैं. एंड आई ऑलवेज से कि हमारे यहाँ राय जो है वो सबसे आराम से राय मिल जाती है. सो लंग कैंसर की सर्जरी जो है वो 4 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है. 3 हफ्ते में हम कीमोथेरेपी दोबारा चालू कर सकते हैं. 4 महीने में स्टेज 1 स्टेज 2 का कैंसर ट्रीटमेंट हो सकता है. स्टेज 3 ऑल्सो 4 months. स्टेज 4 इज द प्रॉब्लम वेयर इट इज वेयर द ट्रीटमेंट हैज टू गो ऑन इनडेफिनेटली. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू नाउ डू इज, देन आई अगेन गिव देम एग्जाम्पल. किसी को शुगर होती है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, तो क्या आप पूछते हैं कि इसका दवाई का कोर्स कितने टाइम का है? 3 महीने का है, 4 महीने का है? तो अगर जब तक शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो तो दवाई देते हैं. इसी तरह से हमें लंग कैंसर में भी स्टेज 4 में हम इनको दवाई जो है वो कंटिन्यूस जो है हमें देनी पड़ती है. तो स्टेज 1 स्टेज 2 4 months, स्टेज 3 4 months, स्टेज 4 इनडेफिनेटली. इट डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट द कैंसर आउट ऑफ द बॉडी, हाउ यू रिस्पॉन्ड. लास्ट क्वेश्चन इज दैट लंग कैंसर में अगेन ये जो आपने सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज बताए हैं, इफेक्टिवनेस तो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है बिकॉज़ द ट्रीटमेंट इज डन बेसिस लाइक यू सेड द काइंड ऑफ कैंसर दैट द पर्सन इज सफरिंग, बट रेकरेंस का कितना वो है चांसेस? सो लंग कैंसर इज नॉट अ वेरी वाज नॉट अ वेरी हैप्पी डिजीज. सो हम लोग ये देखिए, कोई भी दवाई जो है वो एक फाइनाइट टाइम के लिए ही काम करती है. बट अगेन एवरीथिंग हैज टू बी सीन इन पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स. आज से 4 या 5 साल पहले लंग कैंसर वाज, पीपल विद स्टेज 4 लंग कैंसर यूज टू सर्वाइव ओनली फॉर 1 ईयर. Now, as I said, people are living for 3 to 5 years also in a stage 4 lung cancer, but not everybody will. So there are certain people who will not even respond. So हम लोग उसको median बोलते हैं कि अगर हमने 100 लोगों को दिया तो 50वां आदमी जो है वो 38 months जो है survive कर पाया. 15% लोग ज़्यादा भी करते हैं, 15% लोग जो है वो उससे कम भी करते हैं. Chances of recurrence are there definitely. That is why your doctor will ask you to do undergo PET CT scans. And routine follow-ups, definitely chances of recurrence are there, especially in stage 4 lung cancer. Even in stage 1, stage 2, stage 3 lung cancer, there's a 30 to 40% chance of disease coming back. That is why even after your treatment is finished, do not sever all your ties with the hospital. Go back to your doctor. Kuch bhi agar problem hoti hai, toh immediately aake bataiye. डॉक्टर बत्रा, ये लंग कैंसर से रिलेटेड नहीं है, बट मेरे एक्सपीरियंस में couple of people who I know रेकरेंस हुआ, लंग कैंसर नहीं था, सम अदर फॉर्म ऑफ कैंसर, एंड रेकरेंस के बाद में द डिजीज स्प्रेड सो क्विकली, बॉडी डिडंट इवन शो अ सिम्पटम दैट यू नीडेड टू गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड, इट जस्ट टुक ओवर द बॉडी कंप्लीटली. देखिए जनरली ऐसा होता नहीं है. यू नो व्हाट हैपेंस इज इंडियन, एज इंडियंस वी आर वेरी टॉलरेंट पीपल, एटलीस्ट एज फार एज द हेल्थ इज कंसर्न्ड. Politically, I am not saying we are tolerant or intolerant. That's a very touchy question. Correct. So, that is something we don't discuss on family. We will never discuss on this. So what is happening over here is that, you know, जैसे gallbladder cancer या कुछ होता है तो वो gas हो गई है, कुछ और हो गया, थोड़ा सा headache या नहीं, वो थोड़े चढ़ गया होगा. People are very tolerant. That's what again, I mean, don't be tolerant as far as your health condition is concerned. If you have any issues, please go to your doctor. And get yourself checked, get yourself examined,
probably we'll be able to find out the disease earlier for you, and maybe, you know, we can add time to your life. So especially somebody who has recurrence, तो तभी होती है जब किसी को हो चुका है कैंसर. तो जिनको है उनको छोटी से छोटी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से, एंड दे शुड क्विकली गो एंड सीक ट्रीटमेंट. एक लास्ट कम्युनिटी का सवाल है कि सीओपीडी और लंग कैंसर में क्या कोई रिश्ता है और व्हाट इज द रिलेशनशिप. So, COPD is basically a chronic obstructive pulmonary disease. Basically, अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा करता है तो उसके फेफड़े जो हैं वो बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं वहां करके. तो इसके लिए वो जो सीओपीडी होता है, तो सीओपीडी और लंग कैंसर का सेम रिलेशन है कि आप दोनों चीजें स्मोकिंग कारण से होती हैं. स्मोकिंग कॉजेज सीओपीडी, स्मोकिंग कॉजेज लंग डैमेज, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर. सो अगेन द आई थिंक वी स्टार्टेड विद टोबैको एंड वी आर गोइंग टू एंड विद टोबैको. Ultimately, you can definitely avoid lung cancer by 70% chance आपका risk reduction हो जाएगा अगर आप तंबाकू को किसी भी form में avoid कीजिए. That's the bottom line, that's the first line, that's the last line. So no smoking. Smoking is injurious to health in more ways than one. Thank you so much, Dr. Batra. Thank you for educating हमारे जो सारे दर्शक हैं. होपफुली उनके काफी सवालों का जवाब मिल गया होगा. बाकी अगर किसी के सवाल बच गए हैं, प्लीज आके हमारे famhealth.in/community पे अपने सवाल छोड़िए. हम जरूर डॉक्टर बत्रा से जुड़ के आपसे आपके सवालों का जवाब दिलवाएंगे. थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक्स फॉर मेकिंग इट इजी. लोगों को एनालॉजी सुन सुन के शायद थोड़ा इजी हो गया होगा समझना कि उनको अपने सेहत का ध्यान कैसे रखना है. Thank you. Thank you, Dr. Batra. Thank you. Bye. Pleasure being here.